पर जूम इन न्यूज़ का स्वागत है। इससे मौजूद हैं करनाल शहर में, आपको बता दें एसके मार्शल आर्ट एकेडमी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है सतीश कुमार राणा जी के द्वारा एक बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पोस्टर बैनर लगा हुआ है। इस पोस्टर पे बहुत ही एक सेलिब्रिटी कह सकते हैं, एक खिलाड़ी हमारे देश का एक नाम ब्रांड द ग्रेट खली जो है इस अवार्ड शो में आमंत्रित हुए हैं, चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको अपने अपनी कलाओं में अब अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनसे जानते हैं कि इस अवार्ड में जो है वो क्या करने आए थे। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सुमित चौधरी जी नाम है आपका, तो सुमित जी आप ये बताइए कि इस अवार्ड को लेकर कैसा लग रहा है और ये अवार्ड आपको किसके लिए मिला है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने मध्य प्रदेश में 551,000 बेटियों को निःशुल्क आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अभियान के लिए मुझे यहाँ पर करनाल में जो ये नेशनल डायमंड आवर प्रोग्राम रखा हुआ है इसके लिए मुझे यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसलिए करनाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे साथ वसीम अकरम जी हैं, आपको बता दें वसीम अकरम जी जो स्पाइस जेट में एयरलाइंस में वर्किंग भी है और साथ ही साथ ये ताइक्वांडो में ग्रैंड मास्टर है, तो इनसे जानते हैं कि इस अवार्ड को लेकर कैसा लग रहा है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और हमें इतने दूर से सम्मानित करने के लिए। और मेरा नाम है वसीम और मैं बेसिकली असम से हूँ। मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ स्पाइस जेट में एज ए सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर और मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ और साउथ कोरिया से भी सर्टिफाइड हूँ। और मुझे ये अवार्ड मिला है 2 times वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए। सो जो अवार्ड है, जो रिकॉर्ड है मेरा वो है 20 kg लिफ्ट किया था बीएड से। सो 20 kg लिफ्टिंग विथ माय बीएड एंड 307 kicks इन 1 minute, सो इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच सर। स्पाइस जेट एयरलाइंस है और जो आपका ये इंटरेस्ट है, ये चीज़, ये फील्ड अलग है, तो मतलब कैसे, मतलब समझ नहीं, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं 2000 से स्टार्ट किया था, एक्चुअली 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट में। सो स्पाइस जेट तो बाद में आया, सो अभी इसमें भी मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। जो भी कैप्टन क्रू होते हैं, मतलब जैसे इन फ्लाइट में, फ़्लाइट के अंदर जो भी सिचुएशंस होता है, हाईजैकिंग सिचुएशंस, तो वो सारे कैसे हैंडल करना होता है, वो हम मतलब कैसे करना होता है उसको हम करते हैं। तो इसके लिए मैं ट्रेनिंग लिया था साउथ कोरिया में, तो उसके बेस पे अभी हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं कैप्टन क्रू। और आपका नॉट ओनली इंडिया, बाहर से भी जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनको भी हम लोग ट्रेन करते हैं। सो मैं हूँ और है देबोलिना मेरे साथ है, उनका भी आप देखेंगे, तो हम दोनों वहाँ पर ट्रेनर हैं, एक मेल और एक फीमेल एंटायर स्पाइस जेट में। सर, जैसे कि आप मार्शल आर्ट फील्ड से हैं, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि मैं मार्शल आर्ट में ही आगे अपने आप को देखूँ, सक्सेस करूँ, तो आपने स्पाइस जेट जो है ये लाइन क्यों चुनी? क्योंकि मार्शल आर्ट तो एक फील्ड है जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और अभी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्कोप है, और इसीलिए मैंने गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी लिया है। तो इसके लिए मैं स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हूँ, तो उनके तरफ से मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ साइड बाई साइड। और मैं अगर नहीं भी कर पाता तो मेरा पूरा एंटायर टीम है जो कि असम में, दिल्ली में, मुंबई में, सारे ये लोग हैंडल करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो मैं कर लेता हूँ मैनेज। तो और बाकी स्पाइस जेट में जो है वो भी मेरा शौक था कि एयरलाइन आना है, तो दोनों साइड बाई साइड चल रहा है। दैट्स ऑल। सर, आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। सर, मेरा नाम सुधांशु है और मैं ब्लैक बेल्ट सेकंड एंड इंटरनेशनल मेडलिस्ट और नेशनल रेफरी हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक यू अपने कोच को कहूँगा कि जिनके वजह से मैं आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे कोच का नाम मिस्टर गुलशेर सिंह गिल है और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता हूँ। मैं 15 साल हो गया मुझे मार्शल आर्ट करते हुए और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेते हुए मुझे कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है। दैट्स वाइज मैं मोहम्मद रजा शिलोंग मेघालय से आया हूं और मेघालय एक छोटा सा स्टेट है, उस स्टेट के हिसाब से मुझे नॉमिनेट किया गया एज ए नेशनल डायमंड अवार्ड। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब सम्मान की बात है और ग्रेट खली जी जो इस सम्मान उनके हाथ से जो ये सम्मान ले रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर की बात है। जी मैम, आप बताइए कि जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि आप स्पाइस जेट में वर्किंग हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड जो है वसीम अकरम जी ने बताया, तो कैसे मतलब मैनेज करते हैं, थोड़ा बताइए। मैनेज मतलब ये प्रोफेशनली मैं स्पाइस जेट में वर्किंग हूँ एज ए सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर, बाकी साइड बाय साइड मेरा मार्शल आर्ट्स भी चल रहा है, प्रैक्टिस तो हर जगह ही चल रहा है। उसी में भी हमें सेल्फ डिफेंस सिखाना होता है स्पाइस जेट में। सब ग्राउंड स्टाफ, जितने भी एयरलाइन स्टाफ है हमारे, इवन की कैप्टन और कैबिन क्रू, उनको भी हमें सिखाना होता है। WWE प्लेयर, पूरे वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 प्लेयर के हाथों से आपको सम्मानित किया है, कैसा महसूस हो रहा है आज? सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही एक्साइटेड थी इस अवार्ड को लेने के लिए, और अभी जब मिल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऊपर से हमारा जो ग्रेट खली जी है उनसे मिला है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हेलो सर, मेरा नाम विशाल दामके है, मैं मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से हूँ। मुझे कराते में इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट
की वजह से मुझे आज ये अवार्ड मिला गया है। और मैं सबसे पहले जो नेशनल डायमंड अवार्ड के जो हमारे आयोजन जी को मैं अपने बधाई देता हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे खली जी है, हम लोग बचपन में छोटे हुआ करते थे, हम देखते थे कि यार अंडरटेकर आ रहा है, केन आ रहा है, पर इंडिया से कौन आएगा, ये बड़ी एक दिली तमन्ना हुआ करते थे कि इंडिया से कौन आएगा। और जब ये इनका आना हुआ तो वाकई मुझे इतनी खुशी हुई, और आज उन्हीं के द्वारा मुझे सम्मान हुआ तो मैं अपना बहुत एक गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं मनोज शिवरे मध्य प्रदेश से ग्रैंड मास्टर की पोस्ट पर हूँ इस समय। मैं और मेरा पूरा परिवार ही ताइक्वांडो में, कराटे में पूरी तरह से इंस्ट्रक्टर हैं। आज मध्य प्रदेश को लेकर के मैं और मेरी वाइफ, हम लोग करीबन 25,000 बच्चियों को इस समय ट्रेनिंग दे चुके हैं। 2008 से एक रजिस्टर्ड संस्था चलाता हूँ, जिसमें आज कई एक बच्चियाँ कॉमनवेल्थ तक पहुँच चुके हैं, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरे द्वारा बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं, और आज भी G1 G2 में कई एक बच्चे मेरे खेल रहे हैं। और 3 साल की कोविड की वजह से थोड़ा सा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आज हम सबको मोटिवेट किया गया है मिस्टर खली द्वारा, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। थैंक यू।